अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, नो इशू, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर एक ऐसा एआई टूल जिसको यूज करके आप लोग आर्टिकल लिख सकते हो। इट्स नॉट मैटर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको रीड करना नहीं आता, आपको इमेज भी अपने आर्टिकल के अंदर यूज करना नहीं आता, आपको नहीं पता एसईओ कैसे करते हैं, ए टू जी आर ऑटोमेटिकली होगा। ये एक ऐसा एआई टूल है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी कहते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इसे यूज करके जरूर देखना। अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता, आपको नहीं पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं, यार आप लोग इस एक टूल के थ्रू आर्टिकल लिख सकते हो। आपने सिर्फ यहाँ पे अपना कीवर्ड ऐड करना है और अपनी कैटेगरी इसको बतानी है कि कौन सी कैटेगरी का आप लोग आर्टिकल लिखना चाह रहे हो। अपने आप आर्टिकल आपका लिखा जाएगा, उसमें एसईओ भी हाई लेवल की होगी, यानी कि एसईओ फ्रेंडली और एड्स फ्रेंडली, एडसेंस फ्रेंडली 100% यूनिक आर्टिकल होगा। मेरी वीडियोस देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आपका आर्टिकल 100% यूनिक है तो आपको 101% एडसेंस का अप्रूवल मिलकर रहता है। तो यार ये जो एआई टूल है ये ऑटोमेटिकली 100% यूनिक आपको आर्टिकल लिख के देता है। तो आप लोगों ने अगर इस टूल को यूज करना है, इसके थ्रू आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो यार मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे आप इस टूल को यूज करके 101% यूनिक आर्टिकल राइट कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आयो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो या फिर आग लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यार इस टूल को यूज करने के लिए आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे लॉगिन के बटन पे। लॉगिन के बटन पे प्रेस करोगे इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, देन यहाँ पे देखो आप लोगों ने साइनअप के बटन पे प्रेस कर देना। साइनअप करोगे इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा साइनअप का, तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स को ऐड करके साइनअप के बटन पे प्रेस कर देना है। इतना काम करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, रिव्यू आर्टिकल, आर्टिकल को रिव्यू कर सकते हो, आर्टिकल को राइट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, सिर्फ कीवर्ड डालो और आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली यहां पे राइट हो जाएगा, 100% यूनिक होगा। ये भी नहीं है कि 99% यूनिक है, 100% आर्टिकल यूनिक होगा। यहां पे आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है, आर्टिकल की इन्फो, आर्टिकल एडिटर है, आर्टिकल को एडिट कर सकते हो, उसकी एसईओ कर सकते हो, ऑल इन वन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद देख लो आपने यहां पे काम कैसे करना, अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करना, उसके लिए आपने सेटिंग्स के बटन पे प्रेस करना है। और यहां पे देख लो अमेज़न की साइट है तो अमेज़न पे आ जाना है, अदरवाइज आपकी सिंपल साइट है तो वेबसाइट सेटिंग के ऊपर आ जाना है। इतना काम करने के बाद देख लो यहाँ पे अभी मेरी कोई भी साइट ऐड नहीं है, मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ऐड न्यू साइट के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे अपनी साइट का, और यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल दे देना आपने, मैं यहाँ पे देता हूँ। अब यहाँ पे देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में आप पोस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे देखो मेरे पास काफी सारी कैटेगरीज है, तो मैं यहाँ पे वेब ट्रैफिक के ऊपर, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग की निश के अंदर पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ब्लॉगिंग टाइप किया, यहाँ पे अपडेट के बटन पे प्रेस किया, देखो वेबसाइट अपडेट हो गई है, ठीक है, मेरी एक साइट यहाँ पे ऐड हो गई है। अब यहाँ पे आपने कैसे आर्टिकल राइट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए आपने आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है एआई इन्फो आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल को राइट करने के लिए, और यहाँ पे आके अपने कीवर्ड टाइप करना है जो अपने आर्टिकल के अंदर आप यूज करना चाह रहे हो। मैं यहां पे यूज करना चाह रहा हूं हाउ टू रैंक ऑन गूगल, एक कीवर्ड मेरा ये है, दूसरा कीवर्ड मेरा यहां पे आ गया है हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, ये दो कीवर्ड्स सपोज मैं यूज करना चाह रहा हूं। इसके अलावा और भी कीवर्ड आप यूज करना चाह रहे हो तो आप और कीवर्ड यहां पे ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट वेबसाइट, आप लोगों ने अगर मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर रखी है तो यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, मेरी एक ही है तो इसलिए एक ही आ रही है। अब आपने देख लेना है कि आर्टिकल लंबा लिखना चाह रहे हो, मीडियम लिखना चाह रहे हो या शॉर्ट लिखना चाह रहे हो, तो मैं मीडियम आर्टिकल लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने मीडियम पे सिलेक्ट किया और यहां पे मीडियम को सिलेक्ट कर दिया। फॉर्मेट यहां पे किस तरह आपकी पोस्ट का फॉर्मेट हो, सिलेक्ट इमेज सोर्स, आप लोग इमेज कहां से लेना चाह रहे हो, पिक्जा बे इमेज लेना चाह रहे हो या फिर गूगल से इमेज लेना चाह रहे हो, तो मैं गूगल की सेट कर रहा हूँ। अगर पिक्जा बे की करते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री में होती है, उसमें कॉपीराइट ज्यादातर नहीं आता, तो पिक्जा बे से भी ले सकते हो। अगर आप एफिलिएट लिंक जो है वो ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट एफिलिएट लिंक कर सकते हो यहाँ पे आकर। अगर एफिलिएट लिंक नहीं यार कोई भी लिंक ऐड करना चाह रहे हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो ऐड, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो टेस्ट आप लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे जो टेस्ट आपने लिखना है वो यहाँ पे कर देना है, बाय डोमेन फ्रॉम GoDaddy, सपोज मैं यहाँ पे GoDaddy की एफिलिएशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। उसके बाद आके यहाँ पे मैंने GoDaddy का URL दे दिया, www.godaddy.com, ठीक है। इतना देखे अब देख लेना कि स्पॉन्सर है, नो फॉलो है, ओपन इन न्यू टैब है तो ओपन इन न्यू टैब के अंदर कर देता हूँ मैं।
अब ये आपने देखना है कि ये लिंक कहां पे आया, बिगिनिंग पोस्ट के स्टार्ट में आया, मिडल में आया, एंड में आया, तो मैं मिड में करना चाहूं मिड पे कर दिया है। टेस्ट लिंक आई है, बटन लिंक आया, तो मैं बटन लिंक चाह रहा हूं तो बटन लिंक पे प्रेस कर दिया है। अब यहां पे देखो आपने कीवर्ड वगैरह हर एक चीज ऐड कर दिया, तो अब राइट इन्फो आर्टिकल आपने करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास यहां पे क्रेडिट होने चाहिए। देखिए मेरे पास क्रेडिट है 1,00,000, तो आपके पास ये क्रेडिट हो गए तो आप आर्टिकल यहां पे लिख सकते हो। वो कैसे मिलते हैं वो भी मैं बताता हूं। आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कॉइनपार्क ऐप ने। कॉइनपार्क ऐप के ऊपर आपके भाई ने $300 इन्वेस्ट किए थे। अब देख लो कॉइनपार्क ऐप के अंदर आपके भाई ने $1,681 यहां पे अर्न कर लिया, 1681 यानी कि $1,700 अर्न कर लिया कॉइनपार्क ऐप के थ्रू। उसके अलावा आप लोग इसका रेफरल सिस्टम भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके अगर वो भी इस ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी उनका परसेंटेज मिलेगा, आप इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सीबीटी कॉइनपार्क की अपनी एक करेंसी है। कॉइनपार्क ऐप काम ऐसे करता है, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ डॉलर्स होल्ड करने होते हैं, डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, पहले उनको होल्ड कर देना है। 15 डेज का होल्ड करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 15 डेज के बाद यहाँ पे 42% का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप कॉइनपार्क ऐप को ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही इस पे इन्वेस्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, उसके लिए टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वहां पर कंफर्म कर सकते हो। डाइट इन्फो आर्टिकल के बटन पर प्रेस करना। अब देखो यहाँ पे इन्फो टाइप आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है, हाउ टू रैंक ऑन गूगल, हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक, ये दो कीवर्ड मेरे, और ये साइट के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मेटा वगैरह, मेटा डेटा, हर एक चीज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 सेकंड आपने वेट करना है, आपका आर्टिकल यहाँ पे रनिंग प्रोसेस में अभी पूरा नहीं हुआ, तो अब ये अपनी, तो अभी यहाँ पे वेट करना, मैं अभी आपको रिस्टार्ट करके वीडियो दिखाता हूँ ये आर्टिकल लिखा गया या नहीं। पहले यहाँ पे क्रेडिट देख लो, मेरे 1,500 क्रेडिट है, तो यहाँ पे ये भी कम हो जाएगा जब ये आर्टिकल पूरा होगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल यहाँ पे हो चुका है, 1682 यहाँ पे मेरे क्रेडिट यूज हुए, देख लो यहाँ से उतने कम हो गया। अब दूसरा यहाँ पे रनिंग में है, वो भी विद इन 1 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा आर्टिकल भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें 1957 यहाँ पे क्रेडिट यूज हुआ, और यहाँ पे दोनों के अंदर इमेज यूज नहीं हुई, क्योंकि जो साइट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी पिज्जा पे, वहां पे रेलिवेंट इमेज नहीं होगी, ठीक है, इस कीवर्ड के हिसाब से। आप गूगल सेट कर लो तो गूगल से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आकर अगर अपनी साइट पे दिखा दो ये आर्टिकल किस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पे देखो हाउ टू रैंक ऑन गूगल, हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक, ये दो आर्टिकल मेरे यहाँ पे रीराइट हो गया, ये दो आर्टिकल मेरे ऑटोमेटिकली राइट हो गया। अब अगर मैं इसे ओपन करता, अब अगर मैं इसे ओपन करके आपको दिखा दूं कि आर्टिकल किस तरह से मेरा राइट हुआ है, देखो आर्टिकल हाउ टू रैंक ऑन गूगल, और यहाँ पे इस तरह से ये मेरा आर्टिकल रैंक हुआ है। इसके अंदर मेरी वीडियोस वगैरह भी ऑटोमेटिकली आ गई, ये मेरी नहीं है, आरएफ की वीडियो है, लेकिन वो आ गई है, एम्बेड हो गई है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके भी आपको दिखा दूं, आर्टिकल की लेंथ भी काफी लंबी है, तो देख लो यहाँ पे बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी, जो एफिलिएट लिंक मैंने ऐड किया, या फिर आप वैसे भी कोई लिंक ऐड करना चाहो इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख लो आर्टिकल की लेंथ काफी लंबी है, काफी ज्यादा लंबी है, इस पे आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा, इजीली मिलेगा। इस तरह से आप एआई टूल के थ्रू यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल के थ्रू आर्टिकल राइट कर सकते हो। अगर आके यहाँ पे दूसरा आर्टिकल भी आप चाहे खुद जाके यहाँ से देख सकते हो मेरी साइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर आपको दिखा दूं इनके प्लान्स एंड प्राइसिंग वगैरह, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जब आप इसे लॉग इन करते हो यहाँ पे इनका ट्यूटोरियल आता है, तो ट्यूटोरियल देख के भी आप इसे पूरा सीख सकते हो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है, तो आप लॉन्ग फॉर्म में यहाँ से सीख सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, ऑल इन्फो आर्टिकल एडिटर के ऊपर आके अपना कीवर्ड यहाँ पे एंटर करो, जो भी कीवर्ड आप चूज करना चाह रहे हो, जिस पे आर्टिकल लिखना चाह रहे हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू राइट आर्टिकल, ठीक है, यही कीवर्ड चूज करते हो और देखते हैं आर्टिकल हमने लॉन्ग लिखना है, मीडियम लिखना है या शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आर्टिकल पे ही आपको दिखा देता हूँ, फॉर्मेट 1 यूज कर रहा हूं मैं, आप देख लो कौन सा करना, फॉर्मेट 2 करके चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर एफिलिएट लिंक यूज करना चाहो, जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह एफिलिएट लिंक यूज कर लो। राइट इन्फो आर्टिकल के बटन पे आपने प्रेस करना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा वेट करने के बाद फ्यू सेकंड्स के अंदर ही आपका आर्टिकल यहाँ पे खुद से लिखा जा चुका है, देख ले आर्टिकल आपको पूरे का पूरा रेडी है। अब देख लेना आपने अगर आर्टिकल के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करना चाह रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग करना चाह रहे हो, अपने हिसाब से कीवर्ड्स को यूज करना चाह रहे हो, ताकि आपकी एसईओ बेस्ट हो सके, बेटर हो सके, पहले ही बेस्ट है लेकिन इससे भी अच्छी जा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स खुद भी यूज कर सकते हो, इसको रीराइट कर सकते हो, पूरा देख लो इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद इनकी प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो प्राइसिंग के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि बेसिक इनका 4,00,000 वर्ड है,
AI वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ड है तो ऑटोमेटिकली लिखे जाते हैं, ठीक है। वो आपको $45 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे 3900 BDT, यहाँ पे कंप्लीट इन्फो आर्टिकल जिसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पे बताया गया। कंप्लीट इन्फो आर्टिकल, फुल रिव्यू आर्टिकल, 100% यूनिक कॉन्टेंट, 100% का 99% भी नहीं कहा, 100% ह्यूमन रीडेबल। सबसे बड़ी बात होती है कि एक आम इंसान आके से पढ़ सकता है। SEO फ्रेंडली रेटिंग है, SEO फ्रेंडली आर्टिकल होगा, ठीक है। कॉपी स्केप क्लियर है, यहाँ पे कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडवांस आता है इनका 800,000 वर्ड्स का, ठीक है, वो $79 का है। और यहाँ पे कस्टम अगर आप लेना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे आके ले सकते हो, ईयर के हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपने इस वीडियो को पूरा देखा, एंजॉय भी किया। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, कुछ क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स कर दो। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना अगर सब्सक्राइब करते हो, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा। और अगर आप चाहते हो आपको भाई अपने न्यू ऑफिस का टूर करके आपको दिखाए एक वीडियो लेके आए, तो यार नीचे कमेंट्स में बताना, आपको भाई न्यू ऑफिस का टूर भी आपको करवाएगा।